सब्जी यही, अंत यही। क्या समझे? आइए हम कुछ जानते हैं डिटेल भैया से। हाँ भैया बताया जाए। और इससे थोड़ा दूर है। हाँ इससे दूर हो गया। ये काशी का महाशमशान घाट है, मणि कृष्ण, यहाँ पे साक्षात माता पार्वती और शिव जी स्नान करिए। स्नान करते टाइम माता पार्वती का कान का कुंडल और शिव जी का मस्तक कमड़ी यहाँ पे गुम हुआ है। अच्छा। होने के बाद में सनराइज हुआ, माता पार्वती का बॉडी पर उनका रोशनी पड़ा तो उनका बॉडी जलने लगा। उसी विलाप में यहाँ पे शराब लेके गई। जैसे मैं यहाँ से जलते हुए जा रही हूँ वैसे यहाँ कहा कभी भी बुझेगा नहीं। तो उसका इसलिए कि आज तक यहाँ कहा कभी भी बुझा नहीं है, कभी नहीं। 24 घंटा जलता रहता है। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे डेड बॉडी जलाने के लिए। काशी में मरे या तो डेड बॉडी जलाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत नसीब वाले का ही मौत काशी में होता है, जो लोग बाहर से आते हैं। काशी मोक्ष पाएंगे यहाँ पे। और ये नया कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है भैया? काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता कॉरिडोर मोदी जी का। अच्छा अच्छा यही है। हाँ तो ये नया कॉरिडोर जो है वो यही है। और ये खंभा क्या चीज़ बनाए? ये अभी नॉलेज नहीं किस चीज़ का लगा रहा है। अच्छा देखिए लाइट लगता है क्या लगता है आपको खुद नॉलेज नहीं। और ये सामने पेड़ के पीछे देख रहे हैं ना पशुपतिनाथ टेम्पल है, नेपाल के राजा ने बनवाया। अच्छा नेपाली मंदिर ये पशुपतिनाथ टेम्पल है, मंदिर बना हुआ है। टोटल कितना घाट है भैया यहाँ पे? टोटल 84 घाट है। मेन घाट हाँ। जो है राजा हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक का जो है उसके बीच में जो पड़ता है वो मेन घाट है। वो एक तरीके का काशी यात्रा होता है। काशी यात्रा जो बोट से केवट के साथ में राजा रामचंद्र जी यात्रा किया, आपको मालूम है हम लोग केवट है बोट चलाने वाले। हम ही लोग के बिरादरी ने राजा रामचंद्र जी को पार लगाया था जो थे। जी हाँ वो हरिश्चंद्र घाट पे आपको जब उतारने के पहले मैं आपको पूरा कहानी बताया। पंचकोश यात्रा मतलब काशी यात्रा। पंचकोश यात्रा अगर पैदल आप करते हैं तो 95 किलोमीटर जब करेंगे तब जाके आपका पूर्ण होगा। और बोट से ये काशी यात्रा कर लेंगे तो 95 किलोमीटर का मान्य होता है। मीराबाई को व्हाइट वाला देख रहे हो, मीराबाई का आश्रम है, वृद्धा आश्रम। अच्छा। इनके पति गुजर जाते हैं, बेटी बेटा नहीं रहते, वो लोग लास्ट टाइम में यहाँ पे आकर रहते हैं। इसका रहना कपड़ा खाना पीना सब सरकार देता है। अच्छा। और ये घाट किसी सैनिक के नाम से पड़ा है और राजा महाराजा के जमाने में मीर। और ये सामने लाल वाला मकान देख रहे हो ऊपर, ये वीर बाव कल्लू डोम का है जो राजा सत्यवादी हरिचंद जी जिनके अंडर में बिके थे। ये काशी के डोम राजा है, ये राजा हरिचंद इन्हीं के यहाँ काम करते थे। हाँ। बेटे के लिए भी जिन्होंने, ये उनका मकान है, उनके वंशज आज भी रहते हैं। कोई भी चीता आता है उन पे आग देते तभी जाकर वो चीता जलता है। मान मंदिर घाट, ये जयपुर कोटा राजस्थान महाराजा मान सिंह का किला बनाया गया है। सामने वाला जी हाँ बड़ा वाला जो दिख रहा है महल महाराजा मान सिंह का है। इसमें भी कौन कोई राजा रह रहे हैं? नहीं नहीं ये म्यूजियम बन गया है। म्यूजियम बन गया है। ये कितने बजे कितने बजे रहता है? सुबह 7 से लेकर शाम को 5 तक। शाम 5 तक टिकट लगता है सर। पहले 5 लगता था, जब मोदी जी आ गए इसको बनवा दिया 50 हो गया सर। अच्छा
सुंदर बना दिया। घाट किनारे दो म्यूजियम है, एक ये वाला, एक व्यास काशी रामनगर है। अच्छा, ये दशमेव घाट यहाँ से वहाँ तक है? नहीं, जो है पुराना वाला, ये सामने है जहाँ पे पांच ब्राह्मण आरती करते हैं। अच्छा, ये वाला, हाँ। और ये सब, ये जो, और ये किधर घाट? ये राजेंद्र प्रसाद घाट है। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, हाँ। और ये है दशमेव घाट। ये सामने देखिए घाट का नाम है मुंशी घाट। ये हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद नागपुर महाराजा का बनाया हुआ। मुंशी प्रेमचंद, हाँ। उसके बगल में जो बड़ा वाला महल देख रहे हो, घाट का नाम है दरभंगा घाट। ये बिहार महाराजा का था, ब्रिज रमा पहले, हाँ। अब ये फाइव स्टार होटल बन गया, ब्रिज रमा पहले दरभंगा महाराज का है। जी जी, ये होटल बन गया, हाँ, दरभंगा बिहार के राजा का था। उसके बगल में घाट का नाम है राणा महल घाट। ये महाराणा प्रताप उदयपुर राजस्थान के महाराजा का बनाया हुआ। अच्छा, जिनके पास में चेतक घोड़ा हुआ करता था, जगत सिंह राणा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, ये लाना। जी हाँ, ये सामने वाला। ये सामने वाला देख रहे हैं, घाट का नाम है चौसठी घाट। ऊपर में चौसठ योगिनी माता का मंदिर है, सभी लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। एक ही देवी में, एक ही मंदिर में 64 रूप है, 64 रूप, तभी से इनका नाम पड़ गया चौसठ की देवी। कहाँ पे मंदिर? ये होटल के पीछे लाल सफेद सीढ़ी गया ना, हाँ। ये मंदिर के पास भी जाके सीढ़ी खत्म होता है। अच्छा, उसके बगल में घाट का नाम है दिगपतिया घाट। ये बंगाल महाराजा सीताराम दास ओमकारनाथ शास्त्री का, इसमें अनमैरिज लोगों का आश्रम है, सन्यासी लोग रहते हैं ना, हाँ। इसी में रहते हैं, इसका रहना कपड़ा खाना पीना सब सरकार देता है। अच्छा अच्छा, उसके बगल में घाट का नाम है पांडे घाट। ये महाभारत के पांचों पांडवा का घाट है। हरा वाला ऑरेंज वाला मंदिर जो देख रहे हैं ना, अपने जमाने में अपने हाथ से बनाए पांच पांडवा ने, यहीं पे एक्सरसाइज भी किया करते थे। अच्छा अच्छा, और उसके पीछे क्या लिखा? कुमाको हाउस, ये जापानीज का होटल है। अच्छा, काशी में आए स्नान किए, दर्शन पूजा किए, जाते टाइम ये घाट बनवा के धोबी लोग को दान में दे के चले गए। यहाँ पे सुबह में धोबी लोग कपड़ा कचारते और सुखाते हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग धोबिया घाट कहते हैं इसको। और ये सामने वाला देख रहे हैं, घाट का नाम है राजा घाट। ये छत्रपति शिवाजी बालाजी बाजीराव पेशवा पुणे महाराष्ट्र महाराजा का, यहीं पे घातक मूवी का शूटिंग भी हुआ है। घातक मूवी, घातक घातक, हाँ।
84 घाट है, 84 घाट है। उसके बगल में एक घाट का नाम है नारद घाट। इस घाट पे नारद मुनि जी स्नान किए थे। अच्छा। यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ में स्नान करेंगे तो घर पे जाने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगा कि उनका श्रापित जगह है नारद मुनि। नारायण नारायण करके चुगली लगाते थे जो। यहाँ हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं नहाते? नहीं नहीं, सिंगल पति पत्नी के साथ नहीं नहाते। जी हाँ, जब ब्रेकअप करना हो यहाँ के नहीं हालात में यहाँ बिल्कुल नहीं। और ऊपर में जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना लाल सफेद वाला, वो प्रदीप कुमार एक्टर का जो पुराना वाला नागिन पिक्चर बनाया है। वे पानी बॉटल ओके, टायर सीधा कर, टायर नीचे गिरा, टायर नीचे गिराओ, टायर ठीक कर। और ये सामने जो देख रहे हैं ना येलो वाला मंदिर, ये घाट का नाम है छेमेश्वर घाट। जैसे कि लोग आते हैं काशी में दान पुण्य करने, पूजा पाठ करने, स्नान करने, पिंड दान करने, उसके बीच में अगर कोई भी गलती हुआ रहता है, भूल चुका रहता है, क्षमा याचना से करने से क्षमा मिलता है। हाथ जोड़ के नमस्कार करके क्षमा याचना कर लीजिए कि जो हमसे गलती हुआ हमें क्षमा कर लीजिएगा। इनका चार द्वार बना, किसी भी गेट नहीं लगा है, 24 घंटा मंदिर खुला रहता है। काशी में जो भी काशी यात्रा करता है क्षमा याचना करता है इनके पास में। ये सभी घंटा हम आ सकते हैं, ये स्टोरी सब नहीं बताते घाट के बारे में। कोई भी बोट वाला बता रहा है, सब बोट वाला नहीं बताते हैं। उसके बगल में देखिए घाट का नाम है चौकी घाट। ये कलकत्ता की रानी राजमणी जी का घाट है। उनके ज़माने में यहाँ उनका लकड़ी का कारखाना हुआ करता था, रानी राजमणी जी का। चौकी घाट में ही आएगा ये भी लालो, हाँ यहाँ तक आएगा। उसके बगल जो मंदिर जो देखने को वहाँ दूसरा घाट चालू होता है। ये सामने येलो वाला जो मंदिर देख रहे हैं घाट का नाम है केदार घाट। ऊपर में गौरी केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए। 14 जनवरी के दिन दाल चावल का खिचड़ी बन रहा था उसमें से प्रकट हुए, उसी दिन इनका श्रृंगार भी रहता है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। अच्छा, वो विजयनगरम घाट जो आंध्र प्रदेश के महाराजा कृष्णदेव राव जी का बनाया हुआ। साधुओं लोग को रहते हैं और उसके बाद बच्चे लोगों को संस्कृति सिखाते हैं। अच्छा, इसमें लाइट वगैरह नहीं लगाया है? नहीं, इसमें संस्कृति कोई फेमस है नहीं, बस शंकराचार्य जी का बना हुआ है। जी हाँ, ये शमशान यही लास्ट है। और वहाँ पे भी था? जी हाँ, वो महाशमशान घाट है, ये काशी का शमशान घाट है। काशी में एक ऐसा जगह है दो जहाँ 24 घंटा डेड बॉडी जलता रहता है, यहाँ पे मणिकर्णिका घाट में। काशी में बताया ना हमारे तो मोक्ष प्राप्त हुआ, बहुत नसीब वाले लोग ही रहते हैं जो काशी में मौत जिनको प्राप्त हुआ है। यहीं पे साक्षात राजा सत्यवादी हरिश्चंद जी नौकरी किया करते थे डेड बॉडी जलाने का। अपने बेटे के लिए भी उनको कर्ज मांगे थे, कर्ज मांगना पड़ा था। वो कर्ज में जब वो सफल हो गए तो यहीं से जीवित स्वर्ग गए थे। यहीं पे आप लोगों का, जी हाँ, यहीं पे आप लोगों का काशी यात्रा सफल होता है। यहीं पे मिठाई दुकान बड़ा अच्छा लगा। अभी बोला क्या परसों लोग लेट निकलेंगे? हाँ हाँ, आराम से ही परसों निकलना है, आराम से जाना है, क्योंकि अपने आपको जाकर फिर घर पे ही रहना ना। हाँ हाँ, पता है मैडम। टिकट है, 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 ट
चाट ऑर्डर किया, टिक्का चाट, अभी टिक्का चाट खाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं द फेमस पान का दुकान केशव तंबाकू भंडार, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी यहाँ पे पान खाएंगे हम लोग, तो अभी यहाँ पान लेते हैं, पान का बारे में पान लेके बताते हैं वो पान कैसा है। ले लिया कैमरा से ले लिया।